हे गाइस, दिस इज कपिल कादियन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट फॉर सेशन 2023। तो आज आपके लिए क्लास 10th साइंस का ब्लूप्रिंट लेके आए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जानेंगे कि किस चैप्टर के अंदर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने मार्क्स की ये क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द न्यू सेशन 2023 तो क्लास 10th साइंस के अंदर टोटल चैप्टर अब की बार रहने वाले हैं 13 चैप्टर, जिसके अंदर हमारे पास केमिस्ट्री के टोटल 4 चैप्टर होंगे। उसके साथ साथ यदि बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के भी 4 चैप्टर होंगे, और यदि हम बात करते हैं फिजिक्स तो फिजिक्स के हमारे पास 2 चैप्टर होंगे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यदि बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास और इन्वायरमेंट, तो ये हमारे पास ब्लू प्रिंट है अब की बार कि जो कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर MCQ एजर्सन रीजनिंग क्वेश्चन 1 मार्क्स, उसके साथ साथ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स, उसके साथ साथ हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे बेसिकली 5 मार्क्स के, उसके साथ हमारे पास केस बेस्ड स्टडी 4 मार्क्स की होगी, और टोटल हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज प्लस उनके मार्क्स, ये साइड में आपको मार्क्स दिखाई देंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। जो टाइम पीरियड रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। तो इस चैप्टर के अंदर से 3 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपको MCQ और एजर्सन क्वेश्चन रेडी करने आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा आपकी बार, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं होगा, केस बेस्ड स्टडीज चैप्टर के अंदर से कोई नहीं मिलने वाली आपकी बार आपको एग्जाम्स के अंदर। सेकेंड चैप्टर हमारे पास एसिड बेस एंड सोल्ट की बात करें तो अब की बार इस चैप्टर के अंदर से 2 क्वेश्चन MCQ प्लस एजर्सन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं होगा आपकी बार, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी कोई नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं होगा, सिर्फ एक यहाँ से चैप्टर सेकेंड के अंदर से आपको केस बेस्ड स्टडी मिलेगी, जिसके अंदर 4 मार्क्स की रहेगी। उसके साथ साथ यदि बात करें चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, तो इस चैप्टर के अंदर से 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस एजर्सन क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला इस चैप्टर के अंदर से, ना ही कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन लॉन्ग होगा आपकी बार इस चैप्टर के अंदर से। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की यदि बात करते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर से 1 क्वेश्चन MCQ प्लस एजर्सन रीजन वाला इनमें से एक हो सकता है, और यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, 1 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट जो 2 मार्क्स का रहेगा बेसिकली, और 1 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से 3 मार्क्स का मिलने वाला है। यदि टोटल केमिस्ट्री की बात करें तो इस केमिस्ट्री के अंदर से 13 क्वेश्चन आपकी बार आपको एग्जाम्स में मिलने वाले, जो 25 मार्क्स के रहेंगे। तो केमिस्ट्री हमारे पास 25 मार्क्स की रहेगी, बेसिकली 13 टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब इसके अंदर यदि हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर हमारे पास 4 चैप्टर हैं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस के अंदर से 3 क्वेश्चन हमारे पास MCQ एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो बेसिकली 4 मार्क्स के होंगे, और 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर 3 मार्क्स का। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर यदि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन MCQ एजर्सन रीजनिंग मिलने वाला है, और 1 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर। उसके साथ साथ यहाँ से आपको कोई 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का या फिर कोई भी केस बेस्ड स्टडीज चैप्टर के अंदर से आपको नहीं मिलने वाली आपकी बार एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर 7 है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इस चैप्टर के अंदर से बेसिकली 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें MCQ प्लस एजर्सन रीजनिंग वाला हो सकता है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं होगा इस चैप्टर के अंदर से, ना ही कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, सिर्फ 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो 5 मार्क्स का आपकी बार इस चैप्टर के अंदर से आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो इस चैप्टर के अंदर से 2 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस या एजर्सन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यदि बात करें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं रहने वाला आपकी बार इस चैप्टर के अंदर से, और ना ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, और ना ही कोई लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो इस चैप्टर के अंदर से आपको केस बेस्ड स्टडी मिलेगी 1 4 मार्क्स की। यदि बात करें तो टोटल 4 चैप्टर हमारे पास बायोलॉजी के, तो इसके अंदर भी 13 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, और ये 13 क्वेश्चन हमारे पास 25 मार्क्स के रहेंगे आपकी बार फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जो बेसिकली नेचुरल फिनोमेना वाला, जिसमें हमारे पास बेसिकली 2 चैप्टर फिजिक्स के हैं, और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर भी 2 चैप्टर हमारे पास फिजिक्स के हैं। तो टोटल हमारे पास फिजिक्स के 4 चैप्टर रहने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बात कर रहे हैं लाइट चैप्टर की,
तो लाइट चैप्टर वाले के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एजर्सन रीजन क्वेश्चन कोई नहीं मिलने वाला है, ना ही आपको कोई वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स का। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 3 मार्क्स का इस चैप्टर के अंदर से, और ना ही आपको कोई यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन अब की बार मिलने वाला आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर। और इस चैप्टर के अंदर से आपको क्या मिलेगी, एक केस बेस्ड स्टडी मिलेगी बेसिकली, जो 4 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद यदि बात करें ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड की बात करें, तो इसके अंदर भी आपको कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपकी बार फाइनल एग्जाम्स के अंदर। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से क्या मिलेगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और एक ही इसी चैप्टर के अंदर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है। यदि कुल मिला के बात करें इन दोनों चैप्टरों के अंदर से, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो हमारे पास 12 मार्क्स के रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ ए करंट की बात करें, तो इसके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। अब इन दोनों चैप्टरों के अंदर से यदि बात करते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस एजर्सन रीजनिंग क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 1 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट कोई नहीं मिलेगा आपकी बार इस चैप्टर के अंदर से, ना ही कोई शॉर्ट आंसर मिलेगा। और 1 क्वेश्चन यहां से आपको क्या मिलेगा आपकी बार, लॉन्ग क्वेश्चन। यदि बात करें तो ना ही कोई चैप्टर के अंदर से केस बेस्ड स्टडी मिलने वाली आपकी बार आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट, तो इस चैप्टर के अंदर से 3 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस एजर्सन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और यहां से ना ही कोई आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, और एक क्वेश्चन यहां से आपको क्या मिलेगा, 3 मार्क्स क्वेश्चन, और ना ही यहां से लॉन्ग क्वेश्चन मिलने वाला इस चैप्टर के अंदर से, ना ही कोई केस बेस्ड स्टडी। तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 2 प्लस 5 2 प्लस हमारे पास 3 5, और ये 6 और ये 7। तो टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से कितने रहने वाले हैं, 7। तो ये हमारे पास दोनों चैप्टर मिलाकर कितने मार्क्स के आने वाले हैं, 13 मार्क्स के। यदि फिजिक्स की बात करें तो ये भी कितनी रहेगी हमारे पास, 25 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर और इन्वायरमेंट चैप्टर आता है। तो इसके अंदर ना ही कोई आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एजर्सन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आपको यहां से इस चैप्टर में नहीं मिलने वाला आपकी बार। तो आपको यहां से क्या मिलेगा, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और ना ही आपको कोई यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन और ना ही कोई केस बेस्ड स्टडी आपकी बार मिलने वाली है। तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स 2 रहेंगे यहां पर। और ये टोटल मार्क्स की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 5 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है आपकी बार। तो हमारे पास जो टोटल केमिस्ट्री है 25 मार्क्स की, जिसमें 13 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और 13 क्वेश्चन ही आपको बेसिकली बायोलॉजी वाले में मिलेंगे 25 मार्क्स की। और यदि बात करें हमारे पास बेसिकली जो फिजिक्स है, फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो ये भी हमारे पास 25 मार्क्स की रहने वाली है। और जो बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, जिसके अंदर और इन्वायरमेंट है, तो इसके अंदर 5 मार्क्स का आपको 2 क्वेश्चन सबकी बार मिलने वाले हैं। तो हमारे पास जो टोटल रहेगा ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एजर्सन रीजनिंग क्वेश्चन, तो ये 20 क्वेश्चन सबकी बार रहने वाले हैं 20 मार्क्स के। और वेरी शॉर्ट ओनली 6 क्वेश्चन होंगे, तो 12 मार्क्स के रहेंगे। और यदि बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली बच्चों 7 रहने वाले, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 21 मार्क्स के। और यदि 5 मार्क्स क्वेश्चन करते हैं, तो 5 मार्क्स क्वेश्चन हमारे पास आपकी बार 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यदि मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो 15 मार्क्स के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और केस बेस्ड स्टडी की बात करें तो 3 केस बेस्ड स्टडी होंगी, 4 मार्क्स की मल्टीप्लाई बाय करते हैं तो 12। तो हमारे पास टोटल 39 क्वेश्चन आपकी बार CBSE सेशन 2022 एंड 2023 के अंदर 39 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपका टोटल मार्क्स रहेगा बेसिकली 80। तो ये हमारे पास ग्रैंड टोटल रहने वाला है आपकी बार आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रिपरेशन को करना है, क्योंकि चैप्टर वाइज आपने सीरीज के अंदर डिवाइड करना है कि किस चैप्टर के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस को आप फोकस करें। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग आप रेडी हो जाइए अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।